Hi everyone, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप सोलन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। लंच टाइम हो रहा है, एक्चुअली लेट हो गया आज काफ़ी। ये बाहर गए थे, गाड़ी की कुछ सर्विसिंग का था, कार वॉश वगैरह कराने के लिए, तो फिर ये लेट आए। तो अभी ये नहाने के लिए गए हैं और 2 बज रहे हैं, तो अभी हम लोग लंच करेंगे। लंच मेरा डन है और आज सुबह जो है ये ग्रोसरी आई है, तो ये चीज़ वो है जो जिनको फ्रिज में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टोर करना है। तो हमने अपना एक ये इस जगह पर छोटा सा एक क्वारंटीन जोन बनाया हुआ है, तो हम चीज़ें ला के यहाँ रख देते हैं और एक दिन बाद लाइक 24 आवर्स तो फिर यहीं पर रहने देते हैं। उसके बाद फिर मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन करके लाइक जो धोने लायक है, जो भी सब्जी वगैरह होती है उनको अच्छे से विनेगर, सॉल्ट और थोड़े से सोपी वाटर में क्लीन करके, ड्राई करके, वाइप करके तब मैं उनको फ्रिज में रखती हूँ। और जो चीज़ पैक्ड होती हैं उनको वाइप से अच्छे से क्लीन करके फिर तौलिए से पहुँच के तब मैं उसको किचन में स्टोर करती हूँ। जो चीज़ फ्रिज की थी लाइक जो बाहर नहीं रह सकती थी ख़राब, लाइक दूध था और क्रीम लेकर आए थे, ये फ्रोज़न मटर, ये जो चीज़ें थी इनको मैंने सोपी वाटर से अच्छे से वॉश करके, धुल के, ड्राई करके और उनको मैंने फ्रिज में लगा दिया था साथ के साथ। फिर शावर वगैरह ले लिया है और यहाँ पर हमारा लंच तैयार है। आज बनाए हैं टेस्टी से कढ़ी पकोड़ा, बहुत दिन हो गए थे कढ़ी नहीं खाई थी यार। ससुराल बात हुई ना तो वहाँ पे कढ़ी बनी थी, लाइक मम्मा कढ़ी बनानी है, तो आज ही फिर मैंने कढ़ी बनाई। चावल जो है वो भी यहाँ पे डन हो गए हैं। और ये वाली जो कढ़ी है ना ये हेल्दी वाली कढ़ी है, क्योंकि इसका जो पकौड़ा है वो फ्राइड नहीं है, वो मैंने अप्पे मेकर में बनाया है। आपने छोटी सी क्लिप देख ही ली होगी इंट्रो से पहले, तो और उस वाली वीडियो का कि लाइक किस तरह से अप्पे मेकर में बनते हैं वो पूरी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। बाकी मैं उसको फेसबुक पे भी अपलोड कर दूंगी। तो नॉन फ्राइड कढ़ी पकोड़ा जब आप हेल्दी वे में बनाना चाहें टेस्टी बनता है, नो डाउट। लाइक फ्राइड पकोड़े की बात अलग होती है, लेकिन आई वुड से कि 90% तक वही होता है, टेस्ट में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और ये लेस ऑयली बनती है। तो ये बता दें, तो फेसबुक पे जरूर फॉलो करें मुझे, मेरे फेसबुक पेज का नाम है दीप्स हॉल इन वन चैनल, सेम एट इंस्टाग्राम। और मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारी फ़ोटोज़ अपलोड करती हूँ, वो सारी फ़ोटोज़ फेसबुक पे भी जाती हैं, लाइक मेरी डे टू डे लाइफ और भी बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ मेंशन करती हूँ। तो यूट्यूब के अलावा अगर आपका मन हो और मेरी पिक्चर्स देखने का या क्या चल रहा है लाइफ में जानने का, तो आप इंस्टा स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, इन पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आप मुझे मेरे उन अकाउंट्स पर फॉलो करें। ट्विटर पे मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। और क्या ये आ जाए तब तक मैं बात ही करती रहूँगी। और एक बात आपको बताऊँ, अभी मैंने एक और वीडियो रिकॉर्ड की एक्चुअली। ओ माय गॉड, शर्म आ रही है मुझे। यस, मैंने एक और वीडियो रिकॉर्ड करी है, दैट इज़ लाइक माई एवरी डे मेकअप लुक। आप जैसे सभी लोग बोलते हो कि दीपिका आपका फेस बहुत ग्लो करता है तो हमें बताओ, तो सीक्रेट्स तो कुछ नहीं है बट जो भी मैं करती हूँ वो सब मैंने शेयर किया है। आई थिंक वो वीडियो इससे पहले चली जाएगी। आई डोंट नो कितने लोगों को वो पसंद आएगी या कितने लोग उसको देखेंगे या कितने लोगों ने उसको देखा होगा, बट अगर आप मेरा ये वाला लुक देखना चाहते हैं विच इज़ काइंड ऑफ लाइक नो मेकअप मेकअप लुक, अगर आपका मन करे तो देख लेना। मैं उस वीडियो का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बस एक छोटी सी कोशिश की है अपनी तरफ से, आई एम नॉट दैट मच मेकअप पर्सन। आता मुझे सारा है, हाउ टू डू कॉन्टोरिंग, हाईलाइटिंग, मैंने पूरा ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है अपनी भाभी के पास, एवरीथिंग, दुल्हने सजाई हैं, हेयर स्टाइल्स बनाए हैं, मेहंदी लगाई है इतनी सारी दुल्हनों को, तो आई हैव डन एवरीथिंग, बट मैं खुद पे नहीं करती हूँ। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड आकांक्षा है ना, उसकी शादी से पहले उसका फेशियल, वैक्सिंग, एवरीथिंग सब उसका प्री ब्राइडल सब मैंने ही किया था, तो ऐसे करती हूँ मैं, और आईब्राउज वगैरह सब कुछ।
तो यस, मेरी वो मेकअप वीडियो ज़रूर देख लेना यार, मैंने बड़े दिल से बनाई है। अगर नहीं देखी है तो पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स आएगा। चलो साहब शायद आ गए। आ गए जी। चलो भाई, और इनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और जिन लोगों को था ना, अरे कुछ लोगों को आपकी क्लीन शेव पसंद आई थी, कुछ लोगों को नहीं पसंद आई थी, तो एक हफ्ता इन्होंने क्लीन शेव रह के बड़ा खुश कर दिया। अब जो है वो फिर से बैक टू बिजनेस, फिर दोबारा से आ गई है। और अब एक साल दो साल पता नहीं कब जाके कटेगी है। हाँ, हेयर कट जरूर करना है मुझे इनका। अभी इतने नहीं बढ़े वैसे, बट ऐसा लगना चाहिए लॉकडाउन में। अच्छा। बाल कटवा के स्मार्ट नहीं होना। अच्छा, तो लोग पागल ही है जो बाल कटवा रहे हैं। ओके, और यहाँ पे है मेरा शोना बेटा, इसको भी भूख लग रही है, ड्राइंग कर रही है। क्या ड्रॉ कर रहे शोना? अच्छा, वो अपना फोटो ड्रॉ कर रही है। चलो वीडियो के एंड तक दिखाऊंगी। और ये देखिए, हमारे घर में आज इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं, और यहाँ से शुरू है, सारे के सारे दिख रहे होंगे, कितने सारे गेस्ट हैं हमारे यहाँ। सारी डॉल्स जो है वो आज यहाँ पर है, तो वो सब अदवी के साथ पार्टी कर रही थी अभी। चलो लंच करते हैं, भूख लग रही है बड़ी तेज अब, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ था आज तो हमारा, कुछ भी नहीं खाया था सुबह, एक लाइक चाय और बिस्किट सिर्फ अदवी ने अपना ब्रेड बटर खाया था। दे दो भाई कुछ खाने को। ला रही हूँ। तो एक ही टाइम खा रहे हम लोग, और आज तो कढ़ी चावल, तब भी हालत है। मतलब क्या है आप बहुत खा रहे हैं। हाँ, कमेंट तो यही आते हैं, सिर्फ खाना खाना ही है तुम्हारे वीडियो में, लगता है खाने के लिए ही जीते हो, थोड़ा कुछ वर्कआउट भी किया करो। नहीं भाई, इनको दिन में 24 घंटे होते हैं, वीडियो 20 मिनट की होती है बस। समझते नहीं ना लोग आके ना, 40 मिनट और भी है, 23 घंटे 40 मिनट और भी है, लोग नहीं समझते उन चीजों को। आके बोले थे बस खाना खाना। अब भाई मेरी ये प्रोफेशन है, मेरा ये जॉब है, मुझे वीडियोस में रेसिपीज दिखानी है, लाइफस्टाइल में दिखाती हूँ, बट ऐसा थोड़ी ना कि मैं सुबह उठ के जो एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं वो भी दिखाऊँ, एवरीथिंग, ऐसा नहीं है ना। अगर मैं बेड पे जाके आपको सो के नहीं दिखा रही हूँ, डजंट मीन कि ना कि मैं सोती नहीं हूँ, सब कुछ होता है यार, बट हर चीज़ 20-25 मिनट में नहीं दिखाई जा सकती। और रही बात, हम सिर्फ खाने के लिए जीते हैं, जो आपको समझना समझे, बस और क्या, दे रहा है ऊपर वाला, जब तक दे रहा है तब तक खा रहे हैं, जिस दिन देना बंद करेगा उस दिन तब की तब देखी जाएगी। चलो इतनी सारी बात हो जाती है, खाना खाते हैं, पेट में बस, और थोड़े से इनसे प्रवचन सुन लिया करो, हम नया चैनल शुरू करने वाले हैं, विकास बाबा के प्रवचन, जाट बना बाबा, है ना, जाट बाबा बाबा बस खाट खड़ी, जाट ने कर दी खाट खड़ी। अरे हरियाणवी मूवी देखा करो यार, पतला दुपट्टा तेरा मुंह देखे, हमारी शादी में बड़ा फेमस था। आजकल बच्चों के साथ बॉलीवुड मूवी देख नहीं सकते, तो बच्चों के साथ जो देख रहे हो पंजाबी मूवी देखो, हरियाणवी में थोड़ा गाली वाली ज्यादा हो जाती, उन्हें समझ में नहीं आती। हाँ, पर वो बच्चों को समझ में नहीं आती, हमारे बच्चे को तो आती नहीं। चलो ठीक है, चलिए खाना खा ले, फिर मिलती हूँ। और अब शाम हो चुकी है, खाना खाने के बाद बस थोड़ी बहुत देर हमने टीवी देखा, और बारिश भी शुरू हो गई है यहाँ पर। आजकल ठंड तो बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी बारिश होते ही ना तो हल्का हल्का सा ठंडा होने लगता है, बिल्कुल प्रॉपर वाली समर तो यहाँ पे अभी आई नहीं है, ठंड रहती ही है। तो चलिए चलते हैं चाय बनाने के लिए, और चाय की रेसिपी मैं इतनी बार शेयर कर चुकी हूँ, स्टिल मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट आते हैं कि आप कैसे बनाते हो, तो बहुत जल्दी जल्दी बता देती हूँ आपको। पानी बॉईल करना है, उसमें चाय पत्ती डालनी है, अदरक डालना है, इसके बाद चाय मसाला, इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा काली मिर्च आजकल के चीज़ों को देखते हुए कि कोरोना है तो गर्म चीज़ें ज़्यादा लें, और उसके बाद दूध डाल के आप बॉयल कर दें, बाद में जितनी शुगर आपको डालनी हो वो डाल के और सर्व कर दें, और हम खूब बॉयल की हुई चाय पीते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आज डोनट्स बना के तैयार करते हैं। इसके लिए ले रही हूँ प्लेन फ्लावर, ये होम प्राइड का है, मुझसे किसी ने ब्रांड पूछा था कि मैं कौन से ब्रांड का मैदा यूज करती हूँ, तो इसलिए मैंने दिखा दिया। तो एक कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, आप चाहें तो होल व्हीट फ्लावर भी ले सकते हैं। इसके अंदर एक टीस्पून मैंने ड्राइड एक्टिव ईस्ट डाला है, इसको पहले से एक्टिव करने की जरूरत नहीं होती है। साथ ही दो चम्मच भर के मैंने इसमें शुगर के ऐड किए हैं, और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सॉल्ट
सॉल्ट ऐड कर दिया है, लाइक 1/8 टीस्पून के करीब होगा। साथ ही आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें, आप चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं, बटर से भी अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन बटर के फिर रखने के बाद उतना अच्छा टेस्ट नहीं आ पाता है। इसलिए जो चीज़ें कुछ लाइक एक दो दिन के लिए अगर आपको रखनी हो तो उनमें जो मोयन आप डालें वो आप ऑयल का डालें, बटर का ना डालें, या फिर आप बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर रह रहे हों। इसके बाद यहाँ पर लगभग हाफ कप के करीब मैंने वार्म मिल्क लिया है और इस मिल्क को हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। और यहाँ पर डिपेंड करता है कि कितना ऑयल जाएगा, लाइक मैदा के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरह का मैदा है आपका, बिल्कुल फाइन वाला है, थोड़ा सा कोर्स वाला है। तो यहाँ पर हाफ कप का मैंने आपको बोला है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके डालना। और जो हमें डो बनाना है वो थोड़ा सा लूज़ ही बनाना है, बहुत ज़्यादा हमें टाइट नहीं बनाना है। तो देखिए यहाँ पर लूज सा डो बन के तैयार हुआ है और जितना मैंने दूध लिया था उससे कम ही लगा है, इसमें सारा नहीं लगा है। इसके बाद इस डो को आप सारे को एक बार इकट्ठा कर लें और इसके बाद आपको इसको बहुत अच्छे से नीड करना है जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से स्मूद ना हो जाए। शुरू में आपको ये बहुत ज़्यादा स्टिकी लगेगा, लेकिन आप अपने हाथ को थोड़ा सा ड्राई फ्लावर के साथ डस्ट करते रहें और इसको नीड करते रहें। सेम बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप पिज्ज़ा के लिए करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। यहाँ पर एक चीज़ और बोल दूँ, कुछ लोग जो मोयन होता है डोनट का वो बाद में डालते हैं, लाइक इस तरह से नीड करते हुए फिर उसमें बटर या ऑयल डालते हैं, उससे भी अच्छा टेक्सचर आता है। लेकिन मैंने अब तक जितनी बार बनाए हैं मैंने इस तरह से बनाए और मुझे उसका रिजल्ट ज़्यादा बेटर लगा है। बट एंटायरली अप टू यू, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो अगर आप बाद में बटर डालते हैं इस टाइम पर नीड करते हुए तो मुझे लगता है कि वो प्रोसेस करने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको डस्ट कर करके बिल्कुल अच्छे से नीट कर लेती हूँ और ये थोड़ी देर में बिल्कुल चिकना हो जाएगा। तो ये देखिए डो हमारा बिल्कुल यहाँ पर बनके तैयार हो गया और अब ये हाथ पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, बिल्कुल हाथों से ये छूटने लगा है और हमने कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाया हाथों पर। और बस इसको हम एक बार अच्छे से टक कर देंगे और इसको रख देंगे हम फर्मेंट होने के लिए। एटलीस्ट आप इसको हाफ एन आवर के लिए तो रख ही दें, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगा दें ताकि क्रस्ट ना आए। और चाहे तो गीले कपड़े से ढक के रख दें, चाहे तो ऐसे ही कवर करके रख दें। तो देखिए कितना बाउंसी हो गया है। तो इसको मैंने रख दिया था आधे घंटे के लिए। मीनवाइल हम लोगों ने चाय पी है और अब देखिए कितना अच्छे से खमीर इसके अंदर आ गया है, बहुत बाउंसी हो गया है। तो इसको हम एक बार और पंच कर लेते हैं। इसके बाद मैं इसका एक लंबा सा ब्लॉक बना के तैयार करूंगी और जिस तरह से मैं डोनट बनाती हूँ बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है। एक तो ये है कि आप इसकी बड़ी सी रोटी बेल लें, फिर आप इसको या तो डोनट कटर जो आता है या तो उससे काट लें और उसमें मुझे लगता है कि चीज़ें बच जाती हैं। तो मैं इसकी जैसे पेड़ियाँ बनाते हैं ना पूरी बनाने के लिए, मैं बिल्कुल उस तरीके से बनाती हूँ। बाकी नॉर्मल जो तरीका होता है, लाइक एक बड़ी सी आप रोटी बेल लें, फिर गिलास से काट लें, फिर बीच में से ढक्कन से काट के प्रॉपर डोनट वाली जो शेप पर, उसमें फिर एक्स्ट्रा बहुत बचता है, फिर आप उसको दोबारा बेलें फिर दोबारा काटें। जो तरीका मैं बताऊँगी वो बहुत प्रैक्टिकल है। एज़ यूजल मेरे चैनल पर सारी प्रैक्टिकल रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। तो जो मेरा चॉपिंग बोर्ड है उसको मैंने डस्ट कर लिया है ताकि ये डोनट ना चिपकें। और एक एक पेड़ी लेके आप देख रहे हैं कि मैंने उसमें बीच में से होल कर दिया, जैसे कि आप मेदू वड़ा बनाते हैं, तो मैंने इसको इस तरह से किया है। तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है, आपको एक एक पेड़ी लेनी है, बीच में छेक कर देना है और बहुत ही छोटे छोटे क्यूटू क्यूटू से ये बन के तैयार होते हैं और कोई वेस्टेज नहीं जाती है, बार बार आपको बेलना नहीं है और बहुत ही बाउंसी बनते हैं ये वाले। तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा इस तरह से। बट अगर आपको इस तरह से पसंद ना आए तो लाइक आप रोटी बेल और गिलास और ढक्कन जिससे भी हो, अगर आपके पास डोनट कटर हो तो उससे भी आप कर सकते हैं, बट ये वाला तरीका ज़्यादा बेटर है। बस जो आप पेड़ियाँ बनाएं वो थोड़ी सी स्मूथ बनाएं। तो देखिए यहाँ पर मेरे जो डोनट हैं वो मैं बना लेती हूँ। तो सारे के सारे यहाँ पर तैयार हो गए हैं। शेप के ऊपर सबके ऊपर मत जाना, कुछ बड़े कुछ छोटे, बट ये है कि सारे से, और जो सबसे पहले बनाया था वो अब तक दोबारा फर्मेंट हो गया। तो इनको कवर करके हम 10 मिनट के लिए फिर से छोड़ देंगे और मीनवाइल यहाँ पर हमारा ऑयल जो है वो भी गर्म हो
हो गया है, इसके बाद आप इसमें थोड़े थोड़े डोनट, लाइक एक साथ बहुत ज़्यादा ना डालें, नहीं तो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, और लो टू मीडियम हीट पे आपको इनको सेकना है, बहुत ज़्यादा हाई हीट पर नहीं सेकना है, लो टू मीडियम पर रखना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी ये बाहर से सिक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। कोई भी एक स्क्वायर ले लें और बीच में इनको घुमाते रहें ताकि ऑयल जो है वो अच्छे से उतरे, और देखिए डालते ही ये कितनी जल्दी फूल गए हैं और ये इतने मस्त बनते हैं ना। और मैंने बहुत बड़े साइज़ के नहीं बनाए हैं, बाकी आप चाहें तो बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं, और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक आपको अच्छे से तल लेना है। तो मेरा जो पहला बैच है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर तैयार ही होने वाला है, इसको बस मैं निकाल लूँ। सो फर्स्ट बैच इज़ डन और सेकेंड भी मैंने डाल दिया है। और डोनट अच्छे बनाने का बस यही एक तरीका है कि एक तो आपको हीट का ध्यान रखना है, थोड़ी सी भी कम ज़्यादा हीट जो है वो आपकी पूरी रेसिपी को ख़राब कर देती है, तो हीट का हमेशा ध्यान रखें। कुछ भी चीज़ जो आप फ्राई करते हैं उसके लिए जो बताया जाए वही चीज़ फॉलो करें, ज़रा सा इधर उधर करते हैं ना तो वो सारी रेसिपी ख़राब हो जाती है, और फिर मुझे कमेंट आते हैं कि दीदी ये चीज़ बिखर गई, ये चीज़ ख़राब हो गई। तो हीट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो चलिए यहाँ पर जितने भी डोनट थे वो हमारे सारे फ्राई हो गए, अब इनको हम डेकोरेट करते हैं। तो जो सेकेंड बैच था वो बिल्कुल गर्म गर्म था, तो गर्म गर्म के ऊपर आपको इस तरह से शुगर कोट करनी है। तो मैंने चीनी ले ली है एक बोल में, यहाँ पर इसी तरह की पिसी हुई बारीक चीनी आती है, इंडिया की तरह मोटी नहीं आती, आपके पास मोटी हो तो उसको पीस लें थोड़ा सा मिक्सी में। इसके बाद बस गरम गरम डोनट्स को आप इस तरह शुगर में डालें और ये बहुत अच्छे से कोट हो जाते हैं, और अंदर तो शुगर बस इनमें हमने पूरे आटे में 2 चम्मच ही डाली थी, तो जितनी मिठास है बस वो इस शुगर की आएगी, एंड इट इज़ टेस्ट ऑसम। तो मैं आधे जो है वो ऐसे बना रही हूँ और आधे जो है वो मैं चॉकलेट वाले बनाऊंगी। तो ये हमारे शुगर कोटेड डोनट्स बन के तैयार हो गए हैं, और यहाँ पर ये है मेल्टेड चॉकलेट, लाइक ये डेरी मिल्क की चॉकलेट है, माइक्रोवेव में मैंने 30 सेकंड के लिए इसको मेल्ट कर लिया है, बाकी बहुत इजी आप डबल बॉयलर में भी कर सकते हैं, लाइक स्टीम करके तब भी कर सकते हैं। तो ये वाले जो हैं मेरे डोनट, इनको बस हम हल्का सा इस तरह से डिप कर देंगे, चारों तरफ से आप देख लें इस तरह से डिप करें, और कितना अच्छा है। डबल बॉयलर का बता दूं आपको, लाइक आपको पैन में पानी गरम करना है, उसके ऊपर दूसरा पैन रखना है, उसमें चॉकलेट डाल देनी है, और जो नीचे पानी गरम होता है उसकी हीट से फिर चॉकलेट जो है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है वो। तो अगर माइक्रोवेव हो तो ज़्यादा बेटर है, आपको 30 सेकंड के लिए चॉकलेट रखनी है, और ये साहब का हाथ था यहाँ पे क्योंकि उनको ये काम करने में बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए जितने भी हमारे ये वाले डोनट्स थे ये शुगर से बिल्कुल अच्छे से कोट हो गए हैं, नॉट शुगर, चॉकलेट से कोट हो गए हैं, और इसके बाद इनको और फैंसी बनाने के लिए थोड़े से ये कलरफुल स्प्रिंकलर मैं इनके ऊपर डाल रही हूँ। तो यहाँ पर 2 तरह के हैं मेरे पास, एक ये राउंड वाले हैं और कुछ ये लंबे वाले हैं, तो बच्चों को बड़े पसंद आते हैं इस तरह के। तो बहुत ईजी सी रेसिपी है, घर में ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पर ये कलरफुल शुगर भी थी मैंने डाली, लेकिन वो चमकी नहीं उसके ऊपर, तो फिर मैंने दूसरे फिर वो राउंड वाले ही डाल दिए। तो यहाँ पर हमारे चॉकलेट डोनट भी बनके तैयार हो गए हैं। तो दोनों तैयार हैं बिल्कुल सर्व करने के लिए। जो शुगर कोटेड होते हैं उनको गरम गरम सर्व करो, और जो ये चॉकलेट वाले हैं इनको थोड़ा सा ठंडा होने दो ताकि जो चॉकलेट है वो उनके ऊपर सेट हो जाए। तो देखिए कितने यम बने हैं, ट्राई ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपके बच्चों ने आपको कितने परसेंट मार्क्स दिए हैं इस रेसिपी के बाद, बिकॉज़ बच्चों को ये बहुत पसंद है और मैंने भी आज अपनी बेटी की फरमाइश पे ही ये बनाए हैं। और अब डोनट्स हो गए हैं तैयार। एक्चुअली अदवी के लिए सरप्राइज़ है, उसको नहीं पता था कि मम्मी दरवाज़ा बंद करके इधर क्या बना रही थी, एंड शी वॉज प्लेइंग ओवर देयर। तो अब मैं उसको लेके आ रही हूँ और उसको दिखाऊंगी, लाइक उसको खुशबू तो आ रही थी कि मम्मा आर यू मेकिंग पकौड़ीज़, उसको ये लग रहा था कि कुछ फ्राई हो रहा है, बट नाउ
यू विल सी के हाँ उसको कितना अच्छा लगा, क्योंकि उसको अपनी फ्रेंड्स के लिए पार्टी करनी थी, जो मैंने सुबह आपको दिखाया था ना, बहुत सारे मेहमान हमारे घर में जो आए हुए थे, उन लोगों की पार्टी करनी थी। तो डोनट्स देखकर वो इतनी खुश हुई, और चॉकलेट वालों का तो उसको, क्योंकि इससे पहले मैंने जब भी बनाया ना तो वो शुगर कोटेड, मैं इतना ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह पर ध्यान देती नहीं हूँ एक्चुअली, तो उसको शुगर कोटेड वाले तो पता थे कि मम्मा बना देती है, बट चॉकलेट वाले देख के तो वो बहुत सरप्राइज हो गई कि मम्मा ने ऐसे भी बना दिए हैं। तो बस यहाँ पर अब ट्रायल चल रहा है, और मैं अपना बता दूँ कि मेरे इस एग्ज़ाम में अद्वी ने मुझे 200 मार्क्स दिए हैं 100 में से, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा परसेंटेज आ गई है मेरी, तो आई एम सो हैप्पी, उसको बहुत पसंद आए, तो आई एम श्योर सभी बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को टेक्सचर दिखा रही हूँ कि देखिए अंदर से कितना अच्छा फ्लफी और सॉफ्ट बना है, आई होप कि कैमरा इसको अच्छे से कैच कर ले, क्योंकि तब मैंने इसको काट के नहीं दिखाया, ध्यान ही नहीं था। तो बस एक ही बैड चीज़ है इसकी कि जब आप शुगर कोटेड वाला खाते हैं तो आप एक जगह तसल्ली से बैठ के खाएं, नहीं तो पूरे घर में चीनी चीनी हो जाती है, फिर मेरे जैसे सफाई के कीड़े वालों को वो एक एक चीज़ चुगनी पड़ती है और वैक्यूम ला के चीज़ों को क्लीन करना पड़ता है। खैर चलिए, अब यहाँ पर शाम हो गई है और डिनर की तैयारी चल रही है, तो कुछ नहीं बना रहे हैं यहाँ पर, इवन आज रोटी जो है वो भी हम पैकेट वाली ही खा रहे हैं। डोनट्स वगैरह बना के फिर मैं ऊपर चली गई थी थोड़ा अपना एडिटिंग का काम करने के लिए, और आते आते थोड़ी देर ही हो गई मुझे, काम करने बैठते तो बहुत सारे काम निकल आते हैं, तो फिर ये बोले कि पैकेट्स वाली रोटी भी हमको मिली गई थी, जब हमारा आटा ख़त्म हुआ था तो रोटी मिल गई थी, तो ये ले आए थे कि चल ये रखी है मत से, और नहीं तो बाटा बनाएगी, फिर थोड़ी देर रखेगी फिर बनाएगी, कोई बात नहीं, तो सम डेज आर लाइक डे ऑफ। तो कढ़ी ऑलरेडी रखी हुई थी, तो बननी तो रोटी ही थी और कुछ नहीं था, तो यहाँ पर आज हम पैकेट वाली जो रोटियाँ हैं बस वो सेक रहे हैं, कढ़ी में बस थोड़ा सा तड़का ऊपर से और लगाएंगे, थोड़ा सा और इसको चटपटी बना लेंगे हम, क्योंकि अद्वी इतनी ज़्यादा चटपटी नहीं खाती है, तो उसका थोड़ा सा निकाल के और उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा मिर्च का तड़का लगाऊंगी ऊपर से। और ताजी कढ़ी तो अच्छी लगती ही लगती है, लेकिन जो बासी कढ़ी होती है उसका तो खैर टेस्ट ही अलग है, बता ही नहीं सकती हूँ। तो चलिए यहाँ पर कढ़ी में अब तड़का लगाने की तैयारी करते हैं, और रोटियाँ जो हैं वो साहबी सेक रहे हैं, तो मिलजुल कर काम हो ही जाता है, लाइक इनका भी ऑफिस रहता है दिन में और मेरा भी YouTube काइंड ऑफ ऑफिस ही है, काफ़ी काम रहता है, वीडियो रिकॉर्डिंग करना, उसके बाद एडिटिंग करना, अपलोड करना, पब्लिश करना, कमेंट्स का काम, इट्स वे टू मच, बहुत कुछ होता है। और अभी कुछ दिन पहले कमेंट आया था कि आप यूके में रहती हैं और जॉब नहीं करती हैं, तो आई वाज जस्ट लाफिंग के लोगों को लगता है कि अगर YouTube आप कर रहे हैं तो इट मीन्स यू नॉट डूइंग एनीथिंग, YouTube भी एक जॉब ही है, इसमें बहुत टाइम लगता है, और अब से मुझे जॉब छोड़े हुए आई थिंक 8 months हो चुके हैं, 8 months पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ी है, मैं दो दो जॉब करती थी इवन, और साथ साथ यूट्यूब भी करती थी, बट लाइफ चेंज होती रहती है, बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं, बट इफ़ आई एम डूइंग यूट्यूब इट्स नॉट लाइक कि उसमें कुछ होता नहीं है, यूट्यूब के लिए भी बहुत काम होता है, एंड इट्स माई प्रोफेशन नाउ, इट्स माई जॉब नाउ, आई एम अर्निंग थ्रू दैट, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं घर में रह के वीडियोज़ बना रही हूँ तो आई एम नॉट अर्निंग और आई एम नॉट डूइंग एनी जॉब। तो चलिए यहाँ पर मैंने अपनी कढ़ी में भी लगा लिया है तड़का, नॉर्मल बस घी और उसके अंदर हींग जीरा और लाल मिर्ची डाल के उसका तड़का लगाया है, साथ ही यहाँ पर जो है वो रोटी तैयार हो जाएंगी। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, डोनट्स जरूर ट्राई करना, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, आजकल सबके बच्चे घर में हैं तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्नैक्स का उनका मन करता है, तो इट इज़ मस्ट ट्राई, और बहुत ईजी है, इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, और कढ़ाई तो आजकल हर दूसरे तीसरे दिन हर घर में चढ़ी ही रहती है, तो कोई बात नहीं, एक दिन डोनट के लिए चढ़ा लीजिए। तो मैंने अद्वी का यहाँ पे लगा लिया है खाना, तो मैं उसको पहले खिला लूँगी और फिर हम दोनों साथ बैठ के खाएंगे, इट इज़ लाइक दैट। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो
लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ. टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल. डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर. ऑल द आईडीज आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बी काइंड एंड Just stay home, stay safe. Bye.